नमस्ते, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं thelalandtop.com। IPL 2019 सिर्फ IPL सीजन नहीं है, ये एक मौका है वर्ल्ड कप की टीम में अपनी जगह पक्की करने का। और इस वक्त एक खिलाड़ी पूरी कोशिश में है कि वर्ल्ड कप टीम से फिसल ना जाए। नाम है हार्दिक पांड्या। मुंबई इंडियंस को चेन्नई के खिलाफ जिताने में इस ऑलराउंडर का हाथ था। पहले बैटिंग करते हुए एक बार फिर हार्दिक ने मज़ेदार बल्ला चलाया। 8 गेंदों पर ताबड़तोड़ 25 रन बनाए, 3 छक्के मारे और एक चौका। इससे मुंबई एक फाइटिंग टोटल खड़ा कर पाई। हार्दिक के हाथ में जब गेंद आई तो MS धोनी, रविंद्र जडेजा और दीपक चहर को पवेलियन लौटा दिया, यानी 3 विकेट भी ली। और इसके लिए हार्दिक पांड्या को मैन ऑफ द मैच भी दिया गया। बीते 4 IPL मैचों में एक अलग ही हार्दिक पांड्या देखने को मिला है, ये आपने भी नोटिस किया होगा। मैन ऑफ द मैच अवार्ड लेते हुए हार्दिक ने जो कहा उससे साफ है कि इस खिलाड़ी के दिमाग में क्या चल रहा है। हार्दिक बोले, टीम की जीत में योगदान देकर अच्छा लगा। मैंने पिछले 7 महीनों में बहुत कम मैच खेले हैं, मगर मैंने नेट्स में सिर्फ और सिर्फ बैटिंग की है और मैं हर दिन अपने गेम में सुधार लाने की कोशिश कर रहा हूं। अब इस तरह से बल्लेबाजी करके जब आप अपनी टीम को जिताते हैं तो अच्छा लगता है। मैं चोट के चलते पहले काफ़ी देर तक बाहर रहा, फिर दूसरे विवाद खड़े हो गए और मैं ये मैन ऑफ द मैच अवार्ड अपने परिवार और दोस्तों को समर्पित करता हूँ जो मेरे साथ हमेशा खड़े रहे हर वक्त पर। अब मेरा फोकस सिर्फ IPL खेलना है और वर्ल्ड कप में इंडिया की जीत पक्की करना है। हार्दिक पांड्या की इस आखिरी लाइन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। पांड्या को ये भरोसा है कि वो वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा होंगे और दूसरी बात ये कि उन्हें अपने पर कॉन्फिडेंस भी है। बीते 4 मैचों में से 3 में हार्दिक का बल्ला टीम के काम आया है। दिल्ली के खिलाफ सीजन के तीसरे IPL मैच को छोड़ दें तो पांड्या का बल्ला मस्त रहा है। बस उसमें 0 रन बनाकर आउट हुए थे। उसके बाद RCB के खिलाफ 14 गेंदों पर 32 रन मारे, फिर 3 छक्के और 2 चौके उसमें थे। इसके बाद पंजाब के खिलाफ 9वें मैच में 19 गेंदों पर 31 रन बनाए, 3 चौके और 1 छक्का उस पारी में था। और अब चेन्नई के खिलाफ 8 गेंदों पर 25 रन और 3 विकेट भी हार्दिक पांड्या की फॉर्म को दिखाता है कि वो कितनी जबरदस्त फॉर्म में है। पांड्या की जबरदस्त हिटिंग इस IPL का खास आकर्षण रहा है। इन 3 मैचों में पांड्या ने 7 छक्के मारे हैं और सभी मज़ेदार, एक से एक देखने वाला। मगर इस बीच हार्दिक के हेलीकॉप्टर शॉट की काफ़ी तारीफ हो रही है। चेन्नई के खिलाफ 20वें ओवर की 4थी गेंद पर हार्दिक ने यही शॉट मारा और उस वक्त विकेट के पीछे खड़े होकर धोनी देख रहे थे। उस वक्त विकेट कीपिंग कर रहे थे चेन्नई के लिए। ये 91 मीटर का छक्का था और इस शॉट को खेलने के बाद हार्दिक ने अपना स्वैग हाथ उठाकर दिखाया और पीछे खड़े धोनी की तरफ मुस्कुराकर देखा और धोनी भी हंस पड़े। मैच के बाद हार्दिक ने इस बारे में कहा, मैंने धोनी के शॉट को काफ़ी कॉपी किया है, पूरी कोशिश कर रहा हूं कि हेलीकॉप्टर शॉट सही से निकले। एक सपना अभी भी है कि मैं ये शॉट खेलूं और धोनी आकर मुझसे कहें गुड शॉट। वैसे हार्दिक पांड्या इस तरह के शॉट्स पिछले इन 3 मैचों में भी खेल चुके हैं और उम्मीद कीजिए कि इस वर्ल्ड कप में भी वो ऐसा ही कमाल दिखाएं, क्योंकि वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या का चलना इंडिया के लिए जीत सुनिश्चित कर सकता है। आप हार्दिक पांड्या की इस ट्रांसफॉर्मेशन पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक कीजिए, अगर यूट्यूब पर हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की IPL से जुड़ी इसी तरह की अपडेट्स और वीडियोज़ जानने के लिए पहुँचिए thelalandtop.com। शुक्रिया।